पहला दिन में देखेगा इस राइड का सबसे फर्स्ट हमें ये क्या कहूँ, ये डिसएडवांटेज वगैरह तो नहीं कहूँगा गाइस, लेकिन देखिए आगे कैंटो ने ब्लॉक कर दिया है मेरा रास्ता। कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया था गाइस, तो मैं ऐसा इंसान हूँ गाइस, टनल के अंदर ही बैटरी चेंज कर दिया मैंने बैठ बैठ के। देखे बो गाइस, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट तो भाई मैं रास्ता नहीं कहीं भी चल रहा हूँ मैं। देखिए आगे कुछ ऐसा है, रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ रहा भाई कहाँ से जाते हैं, लेकिन जो भी हो मुझे लेक तक जाना नहीं जाना ही है। सो फाइनली गाइस देखिए खिचेपरी लेक का व्यू, फ्रॉम द व्यू पॉइंट पहुँच गए मैं। व्यू पॉइंट गाइस पहुँचते पहुँचते हालत भी खराब हो गया, आज का वेदर देखिए गाइस मेरे चेहरे पे सीधे इतना मतलब इतना ज़्यादा धूप गाइस। अभी का टाइम इट्स अबाउट टू बी 6:30 AM और मैंने देखिए सुबह उठ के मुँह कुछ भी नहीं धोया होगा, इसमें सुबह ऐसे उठ उठ के यहाँ पर फिर से अपना ब्लॉग करने के लिए आया हूँ यहाँ ऊपर टेरेस पे गाइस। तो आज का मौसम तो गाइस काफ़ी सुहाना है, आई होप कि ये मौसम अब पूरे दिन तक ऐसे रहे, फिंगर्स क्रॉस्ड। उसकी सिक्किम चले जाएंगे गाइस, सिक्किम आज फाइनली कर ही लेंगे गाइस, हो सके तो पेलिंग तक ही जाएंगे गाइस, यक्षम पेलिंग ही। आओ कि मेरा बाइक कुछ ज़्यादा धोखा ना दे गाइस। तो अभी इसी बात से गाइस मैं आज लेट नहीं करने वाला हूँ गाइस, सवर टू बी 6:30 AM तो सीधे फटाक से बस मुझे मुँह धोना पड़ेगा गाइस और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यो सो गाइस देखिए अभी सुबह सुबह गाइस दार्जिलिंग मार्केट का हालत देखिए गाइस, कुछ ऐसा ऐसा स्कूल पार्टी कॉलेज पार्टी सब लोग ऑफिस पार्टी। सो अभी का टाइम है गाइस इट्स अबाउट टू बी 8 AM इन द मॉर्निंग गाइस एंड टुडे इज ट्यूसडे। सो फाइनली गाइस आई एम आउट फॉर माय राइड गाइस, तो मैं फाइनली निकल ही गया राइड के सिक्किम राइड के लिए गाइस। कॉल प्लान कैंसिल हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को कि वेरी सून होने वाला है। The hell, who is that honking like an idiot, man? So guys, अभी मैं रास्ता लेने वाला हूँ ये जो NP स्कूल से गाइस सेंट जोसेफ स्कूल से नीचे है, आगे भी देखे सेंट जोसेफ का ही स्कूल का ही बस जा रहा है गाइस। What the hell is gonna be? मैं पहुँच गया यहाँ पर सिंगमाड़ी फाटक गाइस, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे से गाइस मुझे लेना पड़ेगा नीचे लेफ्ट का रास्ता, यहाँ से लेना पड़ेगा गाइस मुझे लेफ्ट। पहला दिन में देखे गाइस राइड का सबसे फर्स्ट हमें ये क्या कहूँ, ये डिसएडवांटेज वगैरह तो नहीं कहूँगा गाइस, लेकिन देखिए आगे कैंटो ने ब्लॉक कर दिया है मेरा रास्ता, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है ना गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब स्टार्ट हो जाएगा, वरना मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, शायद निकलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खाई है ना गाइस, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्या निकलेगा वाकई में। अबे निकल दूंगा मैं, चलो कुछ रिक्स भी लेना चाहिए। ए बॉय तो बस यस गाइस डन 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 गाइस, स्टार्ट होगा गाड़ी स्टार्ट होगा गाइस। नीचे दिख रहा है नदी वहाँ पर और बड़ा रंगीत रिवर गाइस, और इसके नीचे है जोरथांग गाइस, अभी मुझे वहीं पर पहुँचना पड़ेगा। और ऊपर गाइस पेलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से सब कुछ ऊपर है गाइस, नीचे जाके देखना पड़ेगा। अब रास्ता नीचे से रास्ता मुझे थोड़ा पता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना पेलिंग गाइस। ओह पहला ब्रिज गाइस, ब्रिज नेम सिंगला बाजार ब्रिज, ओके दिस इज सिंगला बाजार ब्रिज गाइस। वाह नीचे नदी तो देखिए गाइस, और देखिए वहाँ लोग गाड़ी वगैरह धो रहा है पिकनिक जैसा वगैरह, एकदम क्वालिटी मोमेंट्स स्पेंड कर रहा है गाइस लोग नीचे देखिए। वाह क्योंकि वेदर भी आज ऐसा ही है गाइस, नदी के अंदर जाने का टाइप का वेदर है गाइस आज तो।
चेक पॉइंट जैसा है, पता नहीं ठीक है। चेक तो कुछ भी नहीं करता है गाइस, बस ऐसे ही, पर एक छोटा सा चेक पॉइंट जैसा है, यानी कि अब मैं सिक्किम एंटर कर चुका गाइस। यस आई एम ऑफिशियली इनसाइड सिक्किम गाइस नाउ। और जैसे आगे बढ़ रहा हो गाइस उतना ही एक्साइटमेंट लेवल, अंकल आगे भी देखिए, एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही बढ़ रहा है गाइस। थोड़ा सा डर डर भी लग रहा है क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस गाइस, फर्स्ट टाइम दैट मैं इतना सोलो राइड वो भी इतना दूर जा रहा हूँ गाइस सिक्किम पे। और ऊपर गॉड के, बिकॉज ऑफ द गॉड काइंड गाइस, टुडे द वेदर इज ऑल्सो फेवरेबल एंड मौका मिला तो मैंने चौका, मौका में चौका डालने निकल गया गाइस में। और मैं पहुँचने वाला हूँ गाइस जोरथंग नाउ, तो मैं जोरथंग का ब्रिज है गाइस अक्कार ब्रिज भी पहुँच गया। अब यहाँ से पूछना पड़ेगा कि पेलिंग का रास्ता किस साइड पड़ता है गाइस, मुझे ब्रिज पे जाना पड़ेगा या फिर क्या है। दा पेलिंग कहाँ जान्छ हजुर, यताबाट हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू ठीक है। मुझे ब्रिज क्रस करना नहीं पड़ेगा गाइस, मुझे सीधा जाना पड़ेगा। तो पेलिंग लेने के लिए आपको यस गाइस ये जो अक्कार ब्रिज दिख रहा है जोरथंग का गाइस, ये ब्रिज पे नहीं जाना पड़ेगा, जोरथंग नहीं अंदर नहीं घुसना पड़ेगा गाइस। ये ब्रिज से पहले जो लेफ्ट वाला रास्ता है गाइस स्ट्रेट, वहीं लेना पड़ेगा पेलिंग के लिए। सो गाइस देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुक गया था ये पेट्रोल पंप के आगे, थोड़ा शॉर्ट ब्रेक वाला लेना गाइस। और यहाँ का धूल देखिए गाइस, धूल तो ऐसा है क्योंकि गर्मी के सूखा सूखा दिन में धूल तो होता ही है गाइस। और मैंने जैकेट वगैरह भी उतार दिया गाइस क्योंकि यहाँ का गर्मी ना गाइस ऐसा गर्मी है ना कि आग के भट्टी के अंदर चला गया हूँ मैं, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी है। और मैंने घर वाले सबको भी फ़ोन कर दिया कि मैं सुरक्षा से जा रहा हूँ गाइस पे, और चिंता मत करें बोल के मैं इधर राइट जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच गया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया अपने घर पे गाइस। और आप लोग भी जब भी निकलते हो गाइस घर से तो रिस्पॉन्सिबल के साथ निकलना गाइस, कभी रैश राइडिंग वगैरह मत करना। और घर वाले को ना गाइस हमेशा फ़ोन करते रहना कि मैं कहाँ पर पहुँच गया, क्यों घर वाले को मम और डैडी वेट करते ना गाइस घर पे, सब लोग आपका फैमिली और घर वाले को थोड़ा सा टेंशन होते है ना कि बेटा निकल गया है राइड पे, टेंशन तो होता ही है गाइस, इसीलिए अपने घर वाले को फ़ोन करके इन्फॉर्म करना जरूरी है गाइस। आप लोग ये करिए गाइस, दिस इज द मस्ट गाइस। और ये देखिए गाइस पहाड़ों में ना यही दिक्कत होता है गाइस, लैंडस्लाइड वगैरह ड्यूरिंग मॉनसूनस गाइस। जगह जगह पर रास्ता पे यही है ऐसे ये सिलसिला गाइस, इसीलिए मुझे सिक्किम ड्यूरिंग द मॉनसून, सिक्किम तो क्या गाइस हिल्स वगैरह सब कुछ, हिल्स वगैरह सब हिल्स गाइस, एवरी हिल्स मॉनसूनस में ट्रैवल करने में ना गाइस, इसीलिए मुझे डर लगता है, दिक्कत लगता है और रिस्की भी है गाइस। जैसे आप देखो गाइस हिमाचल में क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो यहाँ भी बिगाड़ हुआ है गाइस, क्योंकि मानसून सीजन ही बहुत घातक सीजन होता है ना। एक प्रकार से देखो तो गाइस रोमांस भी है, रोमांस जैसा वाला एकदम ब्यूटीफुल वेदर भी होता है रोमांटिक, पर घातक भी है गाइस। हेलो चेक गाइस, तो मेरा बैटरी जो था गाइस, कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया था गाइस, तो मैं ऐसा इंसान हूँ गाइस टनल के अंदर बैटरी चेंज कर दिया मैंने बैठ बैठ के। देखे लोग भी गाड़ी में जो लोग रहे ना मुझे देख रहा था, आखा फुल फुला फुला के देख रहा था मुझे, क्योंकि मुझे टनल का कैप्चर करना था गाइस, टनल मुझे कैप्चर करना था गाइस, टनल कैप्चर करना था गाइस। देखिए टनल के ऊपर से पानी भी, ड्रॉपलेट्स भी गिर रहे गाइस टनल के ऊपर से। वाओ द साउंड, एक बार इंजन ब्रेकिंग करके देख लेते। वाओ
और देखिए फिर से बाहर सनशाइन, वाह मजा गया, मजा भाई। दिल खुश हो गया टनल के अंदर गाइस, टनल के अंदर बैठ के मैंने बैटरी चेंज कर दिया, वाओ। सो गाइस देखिए यहाँ से ऊपर स्टीफ क्लाइंबिंग ऊपर शुरू होता है गाइस, नीचे देखिए ये रास्ता होके मैं अभी भी आया गाइस, ये जगह का नाम है तातो पानी गाइस। तो तातो पानी से ऊपर आते हो तो गाइस ये वाला रास्ता आना पड़ेगा आप लोगों को पेलिंग जाने के लिए, सब कुछ खिचेपुरी लेक एंड एवरीथिंग गाइस। और राबंगला वगैरह जाने के लिए आपको स्ट्रेट लेना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट और लेफ्ट ऊपर पेलिंग जाने वाला रोड स्ट्रेट राबंगला गाइस, रिमेम्बर दैट। गाइस यहाँ रास्ता ना बहुत ही क्या बताओ कंफ्यूजिंग हो रहा है गाइस मैप में देख देख के भी, क्योंकि कभी यहाँ से बताता है गूगल मैप, कभी वहाँ से यहाँ देखना पड़ता है गाइस, पता नहीं ये शॉर्टकट लॉन्ग कट की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मेरा आधा टाइम वेस्ट यहीं पर हो गया। और जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा ना गाइस, मुझे ठंडा सा एकदम रिलैक्स फील होता जा रहा है गाइस, गर्मी के वजह से बहुत ही सूख चुका था गाइस में, लेकिन ठंडी हवा के वजह से गाइस फिर से रिफ्रेश हो रहा हूँ, जैसे मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ ना गाइस, वैसे रिफ्रेश होता जा रहा हूँ गाइस में। मैं लपेलिंग लिखा हुआ जगह पे पहुँच गया, किधर यहाँ से ही होगा शायद, मुझे कोई मालूम नहीं। होंगल पेलिंग त्यो खिचेपल्ली लेक कहाँबाट जान्छ? खिचेपल्ली लेक नि यताबाट हुन्छ। त गाइस मैं पेलिङ त पहुँच गए, दिस इज द पेलिङ गाइस, दिस इज पेलिङ। तो पेलिङ त मैं पहुँच गए गाइस, और खिचेपल्ली लेक जो है गाइस अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, पता नहीं कहाँ पर है गाइस, आई डोंट नो एग्जैक्ट कौन सा पहाड़ पे हो सकता है खिचेपल्ली लेक उस तरफ या फिर पता नहीं, लेकिन मैप में जरूर उसी तरफ दिख रहा। ओ शिट शिट मैन, उस तरफ मुझे काला बादल दिख रहा है, प्लीज गॉड हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज आज बारिश ना हो जाए, आज प्लीज बारिश ना हो आज, अपने बेटे को गॉड आज अच्छे से घूमने देना गॉड, प्लीज आज बारिश ना हो, प्लीज प्लीज प्लीज, काला बादल तो दिख रहा है प्लीज। अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर है भाई साहब, मैंने तो सोचा था यहीं पर होगा, लेकिन अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। बो गाइस व्हाट इज दिस मैन, व्हाट तो क्यों इस मैन, ब्यूटीफुल हैवी मैन, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, व्हाट विच वाटरफॉल इज दिस गाइस, बहुत ही शानदार भाई वाटरफॉल, यहाँ तो फोटो लेना पड़ेगा गाइस, यहाँ तो फोटो होना ही पड़ेगा। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी अपडेट करके जा रहा हूँ, ताकि घर वाला को सबको पता हो कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ गाइस। देखिए ये वाला वाटरफॉल वाला स्टोरी भी मैंने ऐड कर दिया इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया है तो देखिए नाइटमेयर बाइकर को फॉलो कर लेना गाइस। देखिए जस्ट नया अकाउंट है ना, इसी कारण से जस्ट 42 फॉलोअर्स है गाइस, प्लीज़ फॉलो कर लेना गाइस मेरे नए अकाउंट पे नाइटमेयर बाइकर, ताकि आप लोग को ऐसा ऐसा अपडेट देखने को मिलेगा, और उस अपडेट देख देख के जब आप ये वाला लिंक दबाओगे ना गाइस, तो ये मैजिकल चैनल, यस गाइस मैजिकल चैनल पे पहुंच जाओगे आप लोग, जहाँ पर आपको ऐसा ऐसा खूबसूरत वाला ब्यूटीफुल एकदम ऑसम वाला व्लॉग्स वगैरह देखने को मिलेगा। और बाय बाय रंबी वाटरफॉल्स, दिस इज रंबी वाटरफॉल्स गाइस, अभी भी मैंने मैप पे देखा। माय गॉड यहाँ से गाइस इतना खूबसूरत, और वहाँ पर देखिए वाह इतना ज़्यादा वाटरफॉल्स, तो ये देखिए वो दूर पे, आई होप ये कैमरा में तब नहीं दिख रहा होगा गाइस मुझे पता है, लेकिन जो मेरा आँख से दिख रहा है ना गाइस यहाँ पर लाइव होके, भाई सिक्किम इज लिटरली हेवन ऑन अर्थ गाइस, सिक्किम इज लिटरली वन ऑफ द हेवन ऑन अर्थ, इट इज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ आवर गॉड जीसस क्राइस्ट।
Man, I'm literally shocked and I'm also excited. मतलब कि सब कुछ मिक्स फीलिंग हो रहा है गाइस मेरे को अभी. तो गाइस मैं पहुंच गया लोकेशन पे खींचे पेरी लेक. अब बाइक को यहाँ पर पार्क करके जाना पड़ेगा गाइस. तो ऑलराइट गाइस खींचे पेरी लेक यहाँ से इंटर होता है गाइस. देखिए वेलकम खींचे पेरी लेक. तो मैंने बाइक को वहाँ पर पार्क कर दिया गाइस. तो देखिए यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है. हाँ यहाँ पर क्या है डैम जैसा है गाइस देखिए. एंड मैं थोड़ा यहाँ पर फ्रूटी ले रहा हूँ गाइस क्योंकि हाइड्रेट करना जरूरी है अपने आप को. फ्रूटी पी पी के अभी जा रहा हूँ लेक के तरफ. यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा. आप कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा मेरे को मालूम नहीं गाइस. देखिए इस तरफ है मोनेस्ट्री. आई थिंक सो यस यहीं पर यहीं से चलना पड़ेगा भाई. मैं रास्ता नहीं कहीं भी चल रहा हूँ मैं. देखिए आगे कुछ ऐसा है रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है. मालूम ही नहीं पड़ रहा भाई कहाँ से जाते हैं. लेकिन जो भी हो मुझे लेक तक जाना नहीं जाना ही है भाई. कथा कथा जंगल जंगल है पूछे क्या. मोटा कहाँ पर हो सकता है. जंगल का सफ़र शुरू हो गया गाइस. जंगल जंगल ट्रेकिंग जंगल. देखिए आगे शायद यही होगा क्योंकि यहाँ पर छोटा रास्ता है ऐसे चलने वाला. थक गया मैं बस इतने ऐसे ही बस इतना ही चलने में थक गया गाइस मैं. ठीक है यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेक गाइस. देखिए गाइस खींचे पेरी लेक नीचे था क्या. रोड रोड तो नीचे था गाइस. पता नहीं मैं तो कहाँ कहाँ से आ गया. देखिए वाह पैसा वसूल गाइस खींचे पेरी लेक गाइस खींचे पेरी लेक. और यहाँ पर इतना शांत है ना गाइस. प्लीज इग्नोर माई हेयर हेयरस्टाइल. थोड़ा हेलमेट की वजह से ऐसा ही हो गया मेरा हेयर. इतना शांति है ना गाइस यहाँ पर. फाइनल मैं नीचे आ गई आ गया. कहाँ से जाते ट्रेडिशन और गाइस यहाँ का जो रिलीजियस वाला फ्लैग है ये. खैर मैं तो गाइस थोड़ा सा खैर मैं तो क्रिश्चियन हूँ गाइस. लेकिन कोई बात नहीं. एक लेक यहाँ पर ये जो सेक्रेट लेक माना जाता है खींचे पेरी लेक गाइस. तो घूमने आज मैं ये कितना लगभग 100 किलोमीटर से तो ज़्यादा गाइस. ये 100 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है दार्जिलिंग से यहाँ तक. तो 100 किलोमीटर से आफ्टर आवर्स ऑफ हेक्टिक राइड फाइनली मैं हूँ खींचे पेरी लेक में. थोड़ा सा ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ता है गाइस क्योंकि ऊपर से थोड़ा व्यू अच्छा आएगा ये लेक का. तो ये लेक का मैंने सुना है कि एक सिक्का वो पानी में फेंकने से अपना विश पूरा हो जाता है गाइस. एक विश करके सिक्का को अंदर फेंकने से गाइस. चलो वो भी करते हैं. पहले ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट में गाइस. चलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा फ्लैग्स है प्रेयर फ्लैग्स. गाइस मैं व्यू पॉइंट पहुँचने वाला हूँ. ये बैग ये हेलमेट धूप के वजह से गाइस मेरा हालत हो गया खराब. थक गया अब मैं. स्वेट कर रहा हूँ गाइस लिटरली पूरा स्वेट हो गया पूरा स्वेट. मैं बस पहुँचने वाला हूँ व्यू पॉइंट पर. सो फाइनली गाइस देखिए खींचे पड़ी लेक का व्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट पहुँच गए मैं. व्यू पॉइंट गाइस पहुँचते पहुँचते हालत भी ख़राब हो गया. थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया गाइस और अभी सांस आ गया. तो देखिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ गाइस. देखिए ऊपर से ना गाइस ये खींचे पड़ी लेक का अगर ऊपर से ड्रोन वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर से व्यू देखेंगे या फिर यहीं से देखेंगे तो इसका शेप जो है गाइस एक पाँव की तरह बड़ा सा जो बिग फुट होता है ना गाइस उसने स्टैम्प किया है वैसा वाला लगता है शायद. क्या पता हो हिस्ट्री में किसी बिग फुट वाले यहाँ पर आया हो यहाँ पर दब के गया हो है ना. और अब कुछ लोग बोलेगा गाइस अब बिग फुट आया होगा तो कहीं पर भी निशान छोड़ना पड़ता ना. लेकिन क्या गाइस यहाँ पर पहले से दलदल होता या फिर वैसा कुछ वगैरह भी हो सकता है गाइस. जस्ट मेरा कहना है गाइस ये. तो यहाँ का व्यू भी देखिए काफ़ी खूबसूरत वाला व्यू है. बीच में ये सेक्रेट लेक और काफ़ी हालत वगैरह सब कुछ ख़त्म होगा मेरा
तो अभी यहाँ पर सिर्फ व्यू पॉइंट में, सिर्फ मैं ही हूँ गाइस, लेक में भी कहूँ थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ लोग हैं, वो भी चला गया शायद, और अभी यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ गाइस जो घूमने आया है यहाँ पर सिर्फ। तो इट्स लकी, इट्स जस्ट मी गाइस, ओके। तो अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने और एकदम शांति लग रहा है गाइस सच में। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, मेरा ब्लॉग देख देख के गाइस सब कुछ आप लोग को पता चल ही गया होगा यह ब्लॉग देख के। और अभी नीचे चलते गाइस, चलिए और एक बार लास्ट व्यू देखिए गाइस यहाँ का, खींचे पेरी लेक का, कितना सुंदर लग रहा है। और ये पानी ना एकदम साफ है गाइस, किसी को गंदा वंदा वो वगैरह करना नहीं देता है गाइस, एकदम साफ है ये, बिकॉज इट इज़ द सेक्रेट लेक ऑफ द वेस्ट सिक्किम। इसमें काफ़ी नीचे आ गया गाइस, तो आते आते मैंने याद भी नहीं किया कि वो जो कॉइन रखने वाला जगह था, मैं ढूंढा ढूंढा गाइस लेकिन मेरे को नहीं मिला वो जगह। तो अभी यहाँ पर भी है लेक का पार्टी, लेक तो खैर वहाँ पीछे है गाइस, लेकिन यहाँ भी लेक का पार्टी है क्योंकि यहाँ पर भी पानी पानी है जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस। तो मैं ये सिक्का गाइस यहाँ पर फेंकने वाला हूँ गाइस, फालने वाला हूँ मैं सिक्का, देखिए गाइस। तो उसको सीधा नहीं, मैं राइट हैंड से फाल दूंगा गाइस, उसको सीधा वहाँ पानी के अंदर टपकाना चाहिए। गो सिट, बैक आ गया वो तो, क्या मतलब बैड लॉक है क्या मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फेंकना तो मैंने ज़रूर पानी के अंदर, क्योंकि मेरे हाथ में हेलमेट था ना गाइस, इसीलिए थोड़ा उतना मोमेंटम नहीं पाया, वरना मैं ऊपर से फाल देते, कोई बात नहीं। सिक्का को तो मैंने फाल दिया, मैं विश यही करूँगा कि मेरा ये चैनल जल्दी से भी जल्दी ग्रो हो जाए और मेरा फ्यूचर इसी से अच्छा हो गाइस। पर ये सिक्का वगैरह तो बस कहना है गाइस, लेकिन जो जो ये चैनल का बढ़ने में ना गाइस जो है वो किंग एंड क्वीन आर यू गाइस, यू गाइस आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ दिस चैनल गाइस। सो आप ही के वजह से ये चैनल ग्रो हो सकता है, आप ही के वजह से कुछ भी होना हो यार, जो मैं सोच भी नहीं सकता, या फिर सोच के भी गाइस मुझे ये जो जो मैं करने का सोच रहा हूँ मेरा अवगत नहीं है गाइस, वो सब अवगत वगैरह बनाने में गाइस आप ही लोग हेल्प कर सकते हो मेरा गाइस। अब देखो इतना मेहनत करके गाइस मैं आ गया लेक पे गाइस, पूरा पसीना हो गया ऊपर व्यू पॉइंट तक चला अकेले, कोई बात नहीं। प्लीज़ गाइस प्लीज़, आपको दिख रहा है एफर्ट तो भी आप भी देख सब लोग देख रहे हैं गाइस, पर भी आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना गाइस, सबको शेयर कर देना गाइस आप लोग प्लीज़। आपको दिमाग में आता है कि बंदे को शेयर करना चाहिए, पीछे से वो हेड के पीछे से बोझ आता है ना, हाँ शेयर कर देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इसका भी चैनल ग्रो होना चाहिए क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो वॉइस को काफ़ी लोग इग्नोर कर देता है गाइस। प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट वॉइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना गाइस प्लीज़। अगर बाहर इंडिया के हर कोने कोने से देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। अगर आप कहीं दार्जिलिंग आके घूमना चाहते हो, यस आप लोग आके मिल सकते हो मेरे से, अगर आप कहीं से दूर से देख रहे हो तो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा गाइस। तो अभी फिर से मैं वापस आ गया गाइस, तो ये वीडियो पर मैं इतना ही रखता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नाइटमेयर बाइक का लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द फर्दर अपडेट्स। सो यस, कीप सपोर्टिंग, कैच यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। और सेकंड पार्ट ना गाइस, अभी यहाँ से मैं जाने वाला हूँ रैपडेंस रुइंस, सेकंड पार्ट विल बी दैट गाइस। यस, मिलता हूँ आप लोगों से सेकेंड पार्ट में। चलिए बाय बाय गाइस, पीस। Feels like I'm in heaven right now, guys. Wow. Wow, wow, wow. Pele kiche palilek. Peling skywalk. Harabi. Red Dancy Ruins, guys.